माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर क्रांतिकारी वीरों की भूमि मेरठ से ऐतिहासिक दिन 14 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा जन जागरण यात्रा का हुआ आयोजन। शुरुआत पल्लापुरम में भगवान राम जी के मंदिर से कलश यात्रा से शुरू होकर पंकजखेड़ा के होटल 5 स्टार से होते हुए पूरे मेरठ के 3 विधानसभाओं में लगभग 45 किलोमीटर की यात्रा हुई है, जिसमें सभी समाज के लोगों ने अपना पूर्ण समर्थन दिया। गौरव शर्मा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी मौके पर पहुंचे और अपना समर्थन दिया। पंकजखेड़ा बाईपास पर हजारों की संख्या में गाड़ियों का काफिला इस यात्रा में शामिल रहा। पूरा मेरठ जो है भक्तिमय हो गया। सभी को आने वाली 22 जनवरी का इंतजार है। भगवान श्री राम जी की यात्रा में शामिल होकर सभी लोगों ने यह साबित कर दिया कि वह राम मंदिर बनने से बहुत ही खुश हैं, उत्साहित हैं और अयोध्या में दिनांक 22 जनवरी को जरूर जाएंगे। पंडित सुमेर राणा जी के नेतृत्व में यह यात्रा कंकरखेड़ा बाईपास स्थित मंदिर से पैदल यात्रा आशुतोष नर्सिंग होम तक पंडित सुनील भराड़ा जी ने करी। खेड़ा में आशुतोष नर्सिंग होम पर पंडित सुनील भराड़ा जी का भव्य स्वागत किया गया और इस मौके पर सभी ने जय श्री राम के नारे लगाए और पूरा कंकरखेड़ा जो है राममय हो गया। भी वर्तमान राज्य मंत्री पंडित सुनील भराड़ा जी ने कंकरखेड़ा में पैदल यात्रा करी। होते हुए भव्य यात्रा साकेत के पेट्रोल पंप पहुंची।
जहां वरिष्ठ भाजपा नेता अंकुर मुखिया जी अपनी पूरी टीम के साथ पूरी आतिशबाजी से और फूल मालाओं के साथ पंडित सुनीब राणा जी का और भगवान श्री राम जी की रथ यात्रा का स्वागत किया और साथ ही वरिष्ठ समाज सेवी मेरठ के जाने माने सरज शर्मा जी भी मौजूद रहे। उन्होंने भी सुनील बराला जी का फूलमाला बनाकर स्वागत किया। प्रभु राम जी की जन जागरण यात्रा में सबसे खास बात यह रही कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर इस यात्रा का स्वागत किया व पंडित सुनील बराला जी का फूलमाला बनाकर स्वागत किया। यह यात्रा मेरठ की 3 विधानसभाओं में होते हुए मेरठ के प्रसिद्ध बाबा अमरनाथ मंदिर में इस यात्रा का विश्राम हुआ। हम उनको लेकर आए जो राम लगा बोला है, हम उनको लेकर आए किसको गंज राम की आई थी मंदिर वही बनाया है, गंज राम की आई थी मंदिर वही बनाया है जो राम लगा बोला है, हम उनको लेकर आए। भगवान श्री राम जी की जन जागरण यात्रा का विश्राम मेरठ के प्रसिद्ध बाबा अमरनाथ मंदिर में हुआ, जहां पंडित सुनील बराला जी के पहुंचते ही सभी समर्थकों ने व राम भक्तों ने उनका फूल माला बनाकर भव्य स्वागत किया। सबसे बड़ी बात देखने को यह रही कि भगवान राम जो हैं सभी के हैं, किसी एक जाति या किसी एक धर्म के नहीं, यह साबित इस यात्रा में देखकर साफ साफ हो गया। पंडित सुनील बराला जी ने मंदिर में प्रवेश करने के बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी के दर्शन किए और साथ ही परिक्रमा भी करी। बहुत अद्भुत और ऐतिहासिक मंदिर सभागार में सभी कार सेवक सेनानियों का सम्मान भी पंडित सुनील बराला जी ने किया।